साड़ी है जो कि टोंक जिले के कावा गांव से इसका संबंध है। आवा गांव में एक जैन फैमिली जो विद्याशीष हथकरघा करके अपने एक सोसाइटी चलाते हैं, वहाँ के वीवर्स और वहाँ के जो जैन फैमिली है वो कलरफुल स्ट्राइप में साड़ी पहनते थे जो केवल प्लेन में अपना साड़ी बनाते थे। उसके बाद बुनकर सेवा केंद्र के इंटरवेंशन के बाद वहाँ पे एक समर ट्रेनिंग के द्वारा वहाँ पे डिज़ाइन इंटरवेंशन किया गया, उसमें कलर्स को और थोड़ा सा आकर्षित किया गया और उसमें जो डबल बॉर्डर है आवा साड़ी की विशेष खासियत है। इसके अंदर जाला तकनीक का भी यूज़ होता है जिससे कि पल्लू के अंदर और अपना बॉडी के अंदर बुटी दिया जाता है इसमें, और जो अपना इसके अंदर डोबी भी इस्तेमाल की जाती है स्ट्राइप्स के बीच में, जो अगर आप जरी का उपयोग करके बढ़िया सा उसमें डायमंड शेप का डिज़ाइन बनाया जाता है। और राजस्थान में केवल कोटा डोरिया एक फेमस साड़ी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बुनकर सेवा केंद्र का ये प्रयास है कि एक जो आवा साड़ी है जो ये मर्सराइज कॉटन में 2x80 में बनती है, 100% कॉटन इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको हम चाहते हैं कि ये अपना काफ़ी आकर्षक साड़ी है, काफ़ी कलरफुल है, ये अपना मर्सराइज कॉटन से आवा साड़ी बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि अलग मर्सराइज कॉटन अलग से ही चमक के आपको मतलब बिल्कुल सिल्क जैसा लुक देता है। ये हमारा प्रयास है कि जो हैंडस्पन धागा है खादी का वो इसमें हम एज ए वेफ्ट यूज करेंगे, बाना यूज करेंगे। तो जो हमारी नवेश रीति करके जो हमारा फैशन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी इसमें हम डालेंगे। तो ये आवा साड़ी में पहले प्लेन तरीके से बनाए जाते थे जिसमें डोबी डिजाइन बूटी वगैरह नहीं डाली जाती थी, केवल प्लेन बनाए जाते थे और कॉटन में ही बनाए जाते थे। आप देखते हैं कि सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बनती है तो उनमें क्या है कि ज़्यादा मांग रहती है बाज़ार में, लेकिन उनके साथ इस साड़ी का कंपटीशन में कैसे आगे निकल गई, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ क्योंकि ये पूरी कॉटन में बनाई गई है। इसमें जो धागों का यूज किया गया है सब नेचुरल डाई किए हुए धागे हैं और सब कॉटन में है। भारत सरकार की योजनाएँ आत्मनिर्भर भारत में कि भारत में बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड चीज़ों को प्रोत्साहन करें, तो उस श्रेणी में ये साड़ियाँ आती है और इस कारण से भविष्य में आने वाले समय में इनकी और ज़्यादा डिमांड आने वाली है।